नमस्कार, स्वागत है आपका द फॉलो अप के हमारे पन्ने पर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान को तेज गति देने में लगी हुई है। कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण के लिए देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद भी वांछित संख्या में लोग टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। केंद्र सरकार ने संभावित कोरोना की तीसरी लहर के पहले हर व्यक्ति को टीका लगवाने की अब एक नई तरकीब खोज निकाली है। केंद्र सरकार अब पूरे देश भर में धनतेरस यानी 2 नवंबर से घर घर जाकर टीका लगाने का अभियान शुरू करने जा रही है। देश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से टीकाकरण अभियान में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि करीब 10 करोड़ लोग समयावधि खत्म होने के बावजूद दूसरी डोज लगवाने नहीं आए हैं। जाहिर है ऐसे में देश भर में संक्रमण का खतरा बढ़ने की पूरी आशंका है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने समयावधि के पूरा होने के बावजूद करोड़ों लोगों द्वारा टीका न लगवाने को लेकर कहा है कि उन्हें टीका सुरक्षित करना जरूरी है, इसलिए घर घर जाकर टीके लगवाने का अभियान शुरू होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि नवंबर में देश में कुल 30 करोड़ टीके होंगे, जिनसे हर रोज 1 करोड़ टीके लगने की संभावना है। गौरतलब है कि देश भर में 13 अक्टूबर के बाद दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या पहली डोज लगवाने वालों से ज्यादा रही। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में प्रतिदिन औसतन 20,55,000 पहली तथा 27,31,000 दूसरी डोज लग रही। गौरतलब है कि देश की कुल आबादी फिलहाल 121 करोड़ है, पर बता दें कि टीकाकरण की देश में यही रफ्तार रही तो साल के बचे 64 दिनों में 49,31,00,000 टीका ही लग पाएगा। आधार डेटा के आधार पर टीकाकरण से संबंधित प्राप्त जानकारी के मुताबिक देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के कुल 94 करोड़ लोग हैं। इस हिसाब से साल के अंत तक 52.4 करोड़ टीका ही दोनों डोज लग पाएगा। आप देख रहे थे द फॉलो अप, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अमित। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and